नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनली आरसीबी के ऊपर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि रोज़ाना अपडेट्स आप सभी को यहां से आरसीबी टीम से जुड़ी हुई मिलती रहे। आप सबको यहां पर आरसीबी टीम से जुड़ी हुई रोज़ाना इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। पूरी आईपीएल जो है, मैं आरसीबी टीम से जुड़ी हुई आप सभी को इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देता रहूँगा। तो भाइयों, अगर आरसीबी के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक भी कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरसीबी टीम के आईपीएल 2021 के ऑक्शन से टॉप थ्री पिक्स कौन होने वाले हैं, यानी कि टॉप थ्री ओवरसीज पिक जो है आरसीबी टीम किसे करने वाली है, कौन से वो तीन विदेशी खिलाड़ी होंगे जिन्हें आरसीबी टीम खरीदने वाली है ऑक्शन से, यही सारी बातचीत डिटेल में आगे इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो भाइयों, उससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आरसीबी टीम से जुड़ी हर अपडेट आप सभी तक पहुँचते रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आरसीबी टीम से कोई बड़ी अपडेट नहीं भी आती है तो आप सभी को वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्रिकेट न्यूज़ मिलती रहेंगी। तो भाइयों, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले बात करते हैं आरसीबी टीम के बारे में। आईपीएल 2021 के लिए सभी टीमों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। आरसीबी टीम भी एक ऐसी टीम है जिसने तैयारी करना चालू कर दिया है। आरसीबी टीम ने आईपीएल 2021 के लिए बैटिंग कंसल्टेंट के रूप में संजय बांगर को अपनी टीम के साथ जोड़ लिया है। संजय बांगर जो है आईपीएल 2021 से आरसीबी टीम के बैटिंग सलाहकार होंगे। वहीं दोस्तों, आरसीबी टीम की कोचिंग स्टाफ में हमने देखा है कि माइक हेसन हैं, इसके अलावा साइमन कैटिच हैं, एडम ग्रिफिथ हैं, कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, पुराने खिलाड़ी जो कि आरसीबी टीम के स्टाफ में रहेंगे आईपीएल 2021 में भी। अब ऐसे में दोस्तों, संजय बांगर के भी आ जाने से आरसीबी टीम की यहां पर बैटिंग लाइनअप जो है उसमें और सुधार आ सकता है, उनकी बल्लेबाजी में जो है बदलाव आ सकता है। वहीं भाई, माइक हेसन भी जो है भारत में पहुँच चुके हैं, कुछ दिनों पहले ही वो भारत आ गए थे और आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब देखना ये होगा कि दोस्तों, आईपीएल 2021 के ऑक्शन से आरसीबी टीम कौन से खिलाड़ियों को लेकर आती है अपने स्क्वाड में, कौन से विदेशी खिलाड़ियों को खरीदती है और कौन से भारतीय खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल करती है आरसीबी की टीम। भाइयों, पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आरसीबी टीम के पास फिलहाल जो है 35.90 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, जिसमें उन्हें 11 खिलाड़ी खरीदने हैं। 8 भारतीय खिलाड़ी खरीदने होंगे आरसीबी टीम को और 3 ही ओवरसीज खिलाड़ी आरसीबी टीम जो है खरीद सकती है। आईपीएल 2021 से पहले आरसीबी टीम ने 2 ट्रेड भी किए हैं, जहां पर हर्षल पटेल और डेनियल सैम्स को आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम से अपने स्क्वाड में ला दिया है। यानी कि दोस्तों, ये ट्रेड जो है आरसीबी टीम ने पैसों से किया है, पैसे देकर आरसीबी टीम ने डेनियल सैम्स और हर्षल पटेल को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। वहीं दोस्तों, आरसीबी ने ऑक्शन 2021 से पहले कुल 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 10 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। अगले साल से हमें जो है दोस्तों, एरन फिंच, क्रिस मॉरिस, डेल स्टेन, ज़रुदाना और उमेश यादव जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी आरसीबी टीम के लिए खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाले हैं। वो आईपीएल 2021 का सीजन आरसीबी टीम के लिए हो सकता है नहीं खेले। हालांकि क्रिस मॉरिस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आरसीबी टीम ने रिलीज किया है और ऑक्शन 2021 में उन्हें खरीद भी सकती है, क्योंकि मिचेल स्टार्क जो है आईपीएल 2021 के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, क्रिस मॉरिस के लिए आरसीबी टीम जो है एक बार फिर से जा सकती है। अगर मॉरिस कम प्राइस में मिलते हैं आरसीबी टीम को तो उन्हें अपने स्क्वाड में ला सकती है एक और बार। मगर दोस्तों, यहां पर आरसीबी टीम के पास गेंदबाजी में और कुछ ऑप्शन होने वाले हैं, जहां पर मुस्तफिजुर रहमान और जाय रिचर्डसन भी होंगे। अब भाइयों, हम बात करते हैं कि आरसीबी टीम के वो कौन से 3 ओवरसीज खिलाड़ी पिक रहने वाले हैं जिन्हें वो ऑक्शन से खरीद सकती है। तो भाइयों, पहला नाम यहाँ पर होने वाला है डेविड मलान का। डेविड मलान दोस्तों एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आरसीबी टीम के लिए ओपनिंग कर सकते हैं। वो टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय के नंबर एक बल्लेबाज हैं और लगातार कंसिस्टेंट प्रदर्शन करते हुए चले आ रहे हैं इंग्लैंड टीम के लिए। वो भी दुनिया भर की टी20 लीग्स में खेलते हैं, चाहे वो पीएसएल हो चाहे वो बीबीएल हो, हर लीग में वो खेलते हैं। ऐसे में दोस्तों, आईपीएल 2021 में उन्होंने अपना नाम दे दिया है, 1.5 करोड़ रुपये उनका बेस प्राइस भी। इसलिए दोस्तों, आरसीबी टीम जो है उनके ऊपर बोली लगाना चाहेगी, चाहे वो लंबी बोली ही क्यों ना लगे, आरसीबी टीम जो है उन्हें हर हाल में अपने स्क्वाड में शामिल करने की कोशिश करेगी। हालांकि दोस्तों, ऑप्शन के तौर पर आरसीबी टीम के पास एलेक्स हेल्स भी रहेंगे, जेसन रॉय भी रहेंगे, लेकिन डेविड मलान जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। वो हर एक इनिंग में आरसीबी टीम को अपने बल्ले से 50-60 रन करके दे सकते हैं, 30-40 तो उनके फिक्स ही होते हैं। इसलिए दोस्तों, डेविड मलान जो है आरसीबी टीम के लिए एक अहम पिक साबित हो सकते हैं, पहले पिक साबित हो सकते हैं ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में। वहीं दोस्तों, हम बात करें दूसरे खिलाड़ी को जिन्हें आरसीबी टीम टारगेट कर सकती है, तो भाइयों, दूसरा खिलाड़ी यहाँ पर हो सकता है ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल जो है आरसीबी टीम को मिडल ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं, उन्हें पंजाब की टीम ने रिलीज भी कर दिया है और आईपीएल 2021 के ऑक्शन में मैक्सवेल जो है अवेलेबल रहने वाले हैं। उनका बेस प्राइस जो है 2 करोड़ रुपये है। ऐसे में आरसीबी टीम उनके ऊपर भी बोली लगाना चाहेगी और उन्हें हर हाल में अपने स्क्वाड में शामिल करने की पूरी कोशिश करने वाली है। मैक्सवेल आरसीबी टीम के लिए 3 या 4 ओवर की गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मिडल ऑर्डर में आकर यानी कि विराट और एबी के बाद आकर वो बल्लेबाजी में अच्छे हाथ आजमा सकते हैं, बड़े
बड़े हिट्स लगाने में वो माहिर हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि T20 जैसे फॉर्मेट में मैक्सवेल जो है बेहद ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। दोस्तों ये तो हो गए दो नाम, अब हम बात करें तीसरे नाम की, तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा नाम होगा जा रिचर्डसन या फिर मुस्तफिजुर रहमान का। मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले साल IPL में नहीं खेला था, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस साल जो है वो ऑक्शन में अवेलेबल रहने वाले हैं, उनके पीछे कई टीमें पड़ सकती हैं। इसलिए दोस्तों RCB टीम भी एक ऐसी टीम हो सकती है जो कि मुस्तफिजुर रहमान के पीछे पड़ने वाली है। मिचेल स्टार्क ऑक्शन में नहीं होने वाले हैं, IPL 2021 में वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान के पीछे कई टीमें पड़ने वाली है। वो भी एक लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, अच्छी खासी यॉर्कर्स डालते हैं, इसके अलावा स्लो रन उनके पास काफ़ी अच्छी है। T20 जैसे क्रिकेट में उनके पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, इसलिए दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान जो है RCB टीम की गेंदबाजी को एक मजबूती दे सकते हैं। वहीं भाइयों जा रिचर्डसन भी RCB टीम के लिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। रिचर्डसन ने BBL 2020-21 में शानदार गेंदबाजी की है, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं वो BBL 2020-21 में, ऐसे में IPL में उन्हें मौका मिलने वाला है, कोई ना कोई फ्रेंचाइजी तो उनके लिए जाने ही वाली है। RCB टीम एक ऐसी टीम हो सकती है जो कि मुस्तफिजुर रहमान और जा रिचर्डसन में से किसी एक गेंदबाज को अपने स्क्वाड में शामिल करने की पूरी कोशिश करने वाली है। तो भाइयों ये थी हमारी वीडियो RCB टीम के 3 ओवरसीज पिक को लेकर जो कि उन्हें IPL 2021 में करना चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।